नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। आज के इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के फैसले में एक बच्चे के हित को सर्वोपरि मानते हुए उसकी कस्टडी उसकी माँ को दी। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में और क्या कुछ कहा है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने इस मामले में, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और जानेंगे साथ ही साथ पूरे मामले को। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको कानून से संबंधित लेटेस्ट जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से रोज मिलती रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं। कोर्ट में बैंगलोर में रहने वाले एक पेरेंट्स ने केस फाइल की थी बच्चे की कस्टडी को लेकर के। मामला सबसे पहले शुरू करते हैं जहां पे यह शुरू हुआ। बैंगलोर में परिवार न्यायालय में बच्चे की कस्टडी को लेकर के एक पेरेंट्स के बीच में तनातनी चल रही थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे और दोनों बच्चे की कस्टडी को लेकर के परिवार न्यायालय में उन्होंने याचिका दाखिल की थी। इसके पहले उन्होंने परिवार न्यायालय में भी डाइवोर्स लेने का याचिका दाखिल की थी जो कि पेंडिंग थी। परिवार न्यायालय ने बच्चे के पिता के फेवर में जजमेंट देते हुए कहा था कि बच्चे का पिता अच्छा खासा पैसा कमाता है और बच्चा अभी छोटा है, इसलिए बच्चे को बेंगलोर में ही रहने दिया जाए। जिस पर कि बच्चे की माँ ने कर्नाटक हाईकोर्ट में उस परिवार न्यायालय के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया और वहाँ पे भी कर्नाटक हाई कोर्ट ने उस माँ की याचिका को खारिज कर दिया और बच्चे की कस्टडी को उसके पिता के पक्ष में ही रखा और कहा कि बच्चे को बैंगलोर से बाहर नहीं जाने दिया जाए। इस पर महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में यह केस चला। सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने के बाद इसमें सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जब सुनवाई की तो इसमें माँ के पक्ष में फैसला सुनाया गया। इसमें DY चंद्रचूड़ ने सीधे तौर पे कहा कि बच्चा अभी छोटा है और वह माँ के साथ रहे यह सबसे अच्छा बच्चे के लिए होगा और बच्चे के भविष्य के लिए होगा, क्योंकि बच्चे की माँ सिंगापुर में रहती है और बच्चे की माँ उस बच्चे को सिंगापुर ले जाना चाहती है जहाँ पे वह जॉब करती है और वहाँ पे बच्चे को स्कूल में वह एडमिशन कराएगी और वहाँ पे ही वह बच्चे का देखभाल करेगी, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है और बच्चे का सर्वोत्तम हित यही है कि वह अपनी माँ के साथ रहे। लेकिन पिता के फेवर में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह अपने पिता से भी बात कर सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो यहाँ पे बच्चे के पिता को भी यह अधिकार दिया गया है कि वह विजिटर राइट्स का इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब यह होता है या तो वह सप्ताह में एक बार या फिर महीने में 2 बार अपने बच्चे से या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर सकता है या फिर वह बच्चे से मिलने सिंगापुर भी जा सकता है। तो इस प्रकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे के हित को सर्वोपरि रखते हुए बच्चे के माँ के पक्ष में फैसला दिया है और यहाँ पे साथ ही साथ बच्चे की माँ को एक अंडरटेकिंग देने के लिए भी कहा है कि आप इस शर्त को मानेंगी कि बच्चे के पिता को या तो हफ्ते में एक बार या फिर महीने में 2 बार मिलने का आप समय देंगी, या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बच्चे के पिता से उसकी बात हो जाए या फिर फिजिकली रूप में यदि बच्चे का पिता सिंगापुर जाना चाहे तो वहाँ पर जा करके वह उससे मिल सकता है। तो इस कंडीशन में बच्चे की माँ ने इस बात को स्वीकार कर लिया है और साथ ही साथ कोर्ट में अंडरटेकिंग भी दी है कि मैं इस शर्त को मानती हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने जाना कि किस प्रकार से बच्चे के सर्वोत्तम हित के लिए माँ के पक्ष में फैसला दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को भी खारिज कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि बच्चा बेंगलोर से बाहर नहीं जा सकता है और बच्चे की कस्टडी उसके पिता के पास रह सकती है। तो इस प्रकार के मामलों में बच्चे के हित को सर्वोपरि माना गया है और बच्चे के हित में ही फैसला दिया गया है, क्योंकि बच्चा अभी 7 साल का है और उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके संकेत दिया था कि वो अपने माँ के साथ रहना चाहता है लेकिन वो अपने पिता के साथ भी जुड़ा रहना चाहता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।